Hello guys, today I'm in Hall of Fames, which is located in Leh Ladakh. So this is the model where the India and Pakistan war started. So few places are there here where the borders are there. So our own Indian soldier is gonna tell about how our Indian soldiers suffered, struggled a lot to like stop them occupying our Jammu and Kashmir. So this video is for the person who loves the Indian Army and who wants to know the sacrifice of the Indian Army soldiers. This is for you guys. I'm gonna show you full complete details of this video, full and complete, clean, clear cut what and all happened there in the battleground. This is not said by me, it's like about the Indian Army officer who explained about this. He is a part of Indian Army, so I trust him and I hope that, not hope, he will tell what and all had happened there. So let's go and listen to him. यहाँ पे मैं आप लोगों को 1999 कारगिल मैं प्लीज वीडियो में बनाइएगा और वीडियो बनाते हैं तो आप मेरे को मेरी वॉइस ले सकते हैं आप ठीक है मॉडल ले सकते हैं गैलरी में कहीं भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं बट आप जो वीडियो बनाएंगे उसमें मेरी वर्दी को नहीं लेना ठीक है हाँ जी यहाँ पे मैं आपको 1999 कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी दूंगा अपनी ब्रीफिंग शुरू करूँ उससे पहले 1999 कारगिल युद्ध में जो हमारे वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें एक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी आप में से कोई एक आदमी भारत माता की बोलेगा बाकी सभी जय बोले भारत माता की जय आरोप से जो तीन बार भारत माता की जय भारत माता की जय तो आप लोग मतलब पिछले 8-10 दिन से खाना खाए हैं आवाज यार भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय छोटी सी उम्मीद आपसे आपकी आवाज आसमान में टकराने के बाद हमारे पूर्व और पश्चिम दोनों देशों में जाने चाहिए इतनी सुविधा है मेरी बाकी कुछ नहीं नंबर टू जब 140 करोड़ देशवासी अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर भारत माता का जयकारा लगाता है तो हमें ऐसा एहसास होता है पूरा देश हमारे साथ है तो क्या आप हमारे साथ नहीं है फिर आपका हाथ ऐसे क्यों है दो में से एक चीज तो कोई है आप हमारे साथ नहीं है भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय थोड़ा सा और बढ़ता तो अच्छा होता 1999 कारगिल युद्ध में चलाए गए सारे ऑपरेशंस फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाए गए मेरे सामने गैलरीज में सियाचिन ग्लेशियर में किस प्रकार भारतीय सेना सर्वाइव और ऑपरेट करती है तथा कुछ माउंटेनरी इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी गई है इस गैलरी के बीचों बीच मेरे बाएं शोकेस में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना से जब्त किए गए कुछ हथियार प्रदर्शित किए गए हैं जिसे आप मेरी ब्रीफिंग के बाद देख सकते हैं ये जो मॉडल आप देख रहे हैं यह एक टेरन मॉडल है यह मॉडल उस इलाके का बना है जहां पर 1999 कारगिल युद्ध को अंजाम दिया गया था इस मॉडल पर लाल रंग से दर्शाई गई रेखाएं इस इलाके की छोटी तथा बड़ी सड़कों को दर्शाती है इस मॉडल पर ब्लू रंग से दर्शाई गई रेखाएं इस इलाके की छोटी तथा बड़ी नदी और नालाओं को दर्शाती है इस इलाके में एक मुख्य मार्ग जो कि श्रीनगर से जोजिला द्रास कारगिल होते हुए लेह को जोड़ती है इस इलाके में मुख्य तीन नदियां सिगार सिंगो और इंडस रिवर बहती है इस मॉडल में कोई बात नहीं छोड़ दीजिए इस मॉडल में लाल रंग से दर्शाए गए कुछ गांव गुलतारी गोल मटियाल बुजुर्ग और मरोल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ गांव हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर समझते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं समझते किसी ने बोला था हमारा कश्मीर किसका कश्मीर जो वापस ले लेंगे किसका है ये अभी किसके पास है
अभी किसके पास है? किसी के पास, पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसके पास है? पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास, किसके पास है? पाकिस्तान। आवाज नहीं आई, पाकिस्तान है किसका? इंडिया का, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का ना। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिरगिट से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। 1999 कारगिल युद्ध भी, इन्हीं इलाकों के अंदर हुआ था। कारगिल युद्ध हुआ क्यों कोई बताएगा? पाकिस्तान पोखरान में हमने जब न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी, उसके बाद उनको लगा कि हमको करना है, उन्होंने भी करा 15 दिन के बाद, और बोला कि उनके लगने से कुछ नहीं होता, उनके 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 ख्याल पुलाव बढ़ने, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं वो हमारे यहाँ क्या करे, जिसके पास खाने के लिए आटे के लिए लड़ाई होती है। 1999 कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, जिस समझौते में यह तय हुआ कि ठंडियों के मौसम में ऊपरी बर्फीली चोटियों से दोनों देशों की सेना नीचे बेस में डाउन हो जाएगी। भारतीय सरकार ने समझौते का पालन करते हुए अपने देश के सैनिकों को नीचे बेस में डाउन कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। आगे आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए, प्लीज वीडियो ना बनाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और छुपे छुपा के हमारे कुछ एक पोस्टों को पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया, जिसमें द्रास सेक्टर में तोरोल हिट 0.540, टाइगर हिट 0.4875, दागिल सेक्टर में 0.560 तक्षार मजदास, पटानी सेक्टर में जुबे हाइट मुंटा धानो कालीवार और यादूर। इस प्रकार पूरे 134 किलोमीटर के इलाके पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो चुका था। पाकिस्तानी सेना को जितना कब्जा करना था कर चुके थे। बारी थी भारतीय सेना की पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की, उन्हें यहां से खदेड़ भगाने की। लेकिन हमें कैसे पता चला कि हमारे पोस्टों पर पाकिस्तानी सैनिक आ चुके हैं? क्योंकि हम तो नीचे बेस में बैठे हुए थे। पटानी सेक्टर में एक चरवाहा जिनका नाम था श्री ताशी राम ग्याल, वो कभी कभी हरियाणा की खोज में अपनी बकरियों को लेकर मुंटो थाने इलाके में जाया करते थे। वहां से उन्होंने एक दिन देखा पटानी सूट में कुछ सिविलियंस पत्थर से बंकरों का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें देखने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि ना ही भारतीय सैनिक है और ना ही भारतीय सिविल नागरिक, ये पाकिस्तानी सैनिक है और अपना स्वरूप बदली करके भारतीय सचमी पर कब्जा कर रहे हैं। एक सच्चा और देशभक्त नागरिक होने के नाते श्री ताशी राम ग्याल इस खबर को भारतीय सेना से बटाली सेक्टर के अंदर साझा किया। भारतीय सेना को खबर मिलते ही भारतीय सेना की अलग अलग पेट्रोलिंग टीमें अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई, लेकिन इसमें से एक महत्वपूर्ण पेट्रोलिंग टीम 4 रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 11 लोगों की टीम भेजी गई। यह पेट्रोलिंग टीम 11 लोगों की गई तो, लेकिन लौट कर इसमें से एक भी वापस नहीं आया। इसी दौरान दास सेक्टर के अंदर भारतीय सेना का एक रेकी हेलीकॉप्टर दुश्मन की गोलियों का शिकार हुआ और 3 डाउन हो गया। इसके बाद भारतीय सेना के तीनों अंगों ने अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ऑपरेशन लॉन्च किया। भारतीय सेना, भारतीय थल सेना ऑपरेशन विजय, भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सफेद सागर और भारतीय नौसेना ऑपरेशन तलवार, जिस ऑपरेशन को नाम दिया। आगे आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए, नहीं सुनाई दे रहा, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। भारतीय थल सेना ऑपरेशन विजय के तहत द्रास सेक्टर से दुश्मनों को खदेड़ने की कार्रवाई शुरू की। द्रास सेक्टर में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट यदि तोरोनी को रिकैप्चर नहीं किया जाता तो नेशनल हाईवे नंबर 1 शायद कटअप हो जाता और आज हम जहां पे खड़े हैं यहां पे कौन होता? पाकिस्तान। ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि भारतीय सेना को आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर करने के लिए अफसरों बटालियन ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के मेजर राजेश अधिकारी को नियुक्त किया गया। मेजर राजेश अधिकारी अपने जवान को नेतृत्व, जवानों का नेतृत्व करते हुए भारतीय सेना को आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान किया, रास्ता प्रशस्त किया यहीं से, और इस युद्ध में यह वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर राजेश अधिकारी को इनके वीरतापूर्ण कार्य को देखते हुए भारतीय सरकार द्वारा इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और तोरोनी को रिकैप्चर करने का टास्क
दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल के कैप्टन विजय ठाकुर को दिया गया। कैप्टन विजय ठाकुर अपने जवानों का नेतृत्व करते हुए असंख्य गोलियों और बमों के बौछारों के बीच तोनो रिंग के तरफ बढ़े और भारतीय तिरंगों को हमेशा हमेशा के लिए तोनो रिंग पर फहराए। लेकिन इस युद्ध में मात्र 22 साल की उम्र में कैप्टन विजय ठाकुर वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन वीर गति को प्राप्त होने से पहले एक दिन पहले इन्होंने अपने अंतिम भावनाओं को अपने अंतिम इच्छाओं के पत्र के माध्यम से अपने मम्मी पापा के नाम से लिखा था। वह पत्र इस म्यूजियम के अंदर इस कॉर्नर में द लास्ट पोस्ट के नाम से लगाया गया। आप सभी प्यारे देशभक्त देशवासी यहां से जाने से पहले इस वीर सपूत की अंतिम भावनाओं को अपने साथ संजोकर जरूर ले जाइएगा और इस पत्र को एक बार पढ़िएगा जरूर। क्या पता आपके इस पत्र को पढ़ने से इस वीर सपूत की अंतिम आत्मा को शांति प्रदान हो, जिसके बाद भारतीय सेना के आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त हुआ और 0.514 का रिकैप्चर करने का दास 13वीं बटालियन के जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया, जिनका एक और भी नाम था शेरशाह। क्या था? शेरशाह। सर प्लीज बिल्यू नाम प्लीज मेरी रिक्वेस्ट कर। क्या नाम था? शेरशाह। आवाज नहीं आई। शेरशाह। क्या नाम था? शेरशाह। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के समाप्त होने के 10 साल बाद तक जब पाकिस्तान में बच्चा रोता था तो पाकिस्तानी माए बोलती थी बेटा सो जा वरना शेरशाह आ जाएगा। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों के सपने में कैप्टन विक्रम बत्रा दिखाई देते थे। कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह मां भारती का या वीर सपूत दुश्मन के खेमे में घुसकर ऐसा तहलका मचाया कि उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिला और भारतीय तिरंगे को 0.514 के पर हमेशा हमेशा के लिए फहराए और वहां से अपने दिल की इच्छाओं को एक सक्सेस कोर्ट के रूप में कमांड पोस्ट को इन्होंने पास किया। क्या बोला? दिल मांगे क्या बोला? दिल मांगे। क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन के खून के प्यासे हो चुके थे, उनका दिल अभी रुकने वाला नहीं था, उनका दिल अभी और मांग रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा का अगला टास्क था 0.4875 मां भारती का यह वीर सपूत दुश्मन के खेमे में 0.5140 पर तहलका मचाने के बाद 0.4875 की तरफ अग्रसर हो चुके थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 0.4875 पर भारतीय तिरंगे को फहराने से चंद सेकंड पहले कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह दुश्मन की गोलियों का शिकार हुए और हमेशा हमेशा के लिए मां भारती की गोद में समा गए। इस वीर सपूत की बहादुरी कर्तव्य निष्ठा और बलिदान को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सरकार द्वारा इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन भारतीय सेना कभी रुकती नहीं है। इन्हीं के प्लाटून का जाबाज सिपाही राइफलमैन संजय कुमार दुश्मन के बंकर में फायर करती हुई मशीन गन की नाल पकड़ के अपने हाथों से खींच लिया और दुश्मन के गन से दुश्मनों को ही रौता हुआ 0.4875 पर गया और भारतीय तिरंगे को हमेशा हमेशा के लिए फहरा दिया। इस वीर सपूत की बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए भारतीय सरकार द्वारा इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार आज भी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर सुशोभित हैं और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में सेवारत हैं। जिसके बाद अगली बारी थी असंभव प्रतीत होने वाली टाइगर हिल। मैंने बोला असंभव प्रतीत होने वाली, लेकिन भारतीय सेना के लिए ना उस समय कुछ असंभव था, ना आज कुछ असंभव है और ना ही भविष्य में कुछ असंभव होगा। भारतीय सेना जब तक अपनी देश की सीमाओं की निगाहबानी में बैठी हुई है तब तक किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है हमारी सीमाओं की तरफ अपनी आंखें उठाकर देख ले। टाइगर हिल तकरीबन 90 डिग्री खड़ी चढ़ाई पर थी, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कठिन डगर थी, लेकिन कहते हैं हिम्मतवानों का डर से कोई रास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। टाइगर हिल जिसे रिकैप्चर करने का टास्क 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के घाटक प्लाटून के प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को दिया गया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह असंख्य गोलियों और बमों के बौछारों के बीच अपने जवानों का नेतृत्व करते हुए 3 दिनों तक बिना खाए पिए कुछ टीम टाइगर हिल के तरफ चलती रही। अंततः 3 दिनों के बाद इनके प्लाटून का एक जाबाज सिपाही ग्रेनेडियर जोगेंद्र सिंह यादव मां भारती का यह वीर सपूत 17 गोलियां अपने सीने में खाने के बाद भी अपना आदर्श स्वाद के सर्वदा शक्तिशाली का नारा लगाते हुए भारतीय तिरंगे को टाइगर हिल के ऊपर फहराए और जीवित बेस के अंदर वापस लौटे। इस वीर सपूत की बहादुरी को देखते हुए भारतीय सरकार द्वारा इन्हें भी
परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर जोगेंद्र सिंह यादव पिछले साल जुलाई महीने में भारतीय सेना से ऑनरी कैप्टन रैंक से सेवानिवृत्त हुए और आज भी 24/7 मां भारती की रक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। इस प्रकार द्रास सेक्टर के और कारगिल सेक्टर के सारे पोस्टों को रिकैप्चर कर लिया गया था। भारतीय पटालिक सेक्टर, पटालिक सेक्टर में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट जुबेर हाइट। जुबेर हाइट हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि पटालिक सेक्टर में हमारे आगे बढ़ने का रास्ता जुबेर हाइट से मिलता था, जिसे रिकैप्चर करने का टास्क फर्स्ट बटालियन के बिहार रेजिमेंट के वीर बिहारियों को दिया गया। वीर बिहारी दुश्मनों को वहां से भगाकर भारतीय तिरंगे को फहराए और पटालिक सेक्टर में भारतीय सेना के आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किए। यही से 1/11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे को कालू बार के ऊपर भारतीय तिरंगे को फहराने का टास्क दिया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे अपने जवानों का नेतृत्व करते हुए कालू बार की तरफ बढ़े और भारतीय तिरंगे को हमेशा हमेशा के लिए फहराए, लेकिन इस युद्ध में यह भी वीर गति को प्राप्त हुई। इस वीर सपूत की बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए भारतीय सरकार द्वारा इन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ते समय देखा हुआ परमवीर चक्र पाने का सपना पूर्ण कर चुके थे, लेकिन इस शुभ दिन को देखने के लिए यहां पर मौजूद नहीं थे। जिसके बाद आखिरी किला जो दुश्मन का बचा हुआ था, दुश्मनों को एक्सेस प्रदान करता था, उनको राशन पानी और एमुनेशन लाने ले जाने का रास्ता मिलता था। चोर बातला पोस्ट जिसे रिकैप्चर करने का टास्क लद्दाख स्कॉट रेजिमेंट के मेजर सोनम वांचुक को दिया गया। मेजर सोनम वांचुक वीर नुरूस का नेतृत्व करते हुए चोर बातला पोस्ट के तरफ बढ़े और दुश्मन के ताबूत में आखिरी खीर ठोकते हुए भारतीय तिरंगे को 26 जुलाई 1999 को चोर बातला पोस्ट के ऊपर फहराया। यहां पर 26 जुलाई 1999 को चोरबातला पटालिक सेक्टर के अंदर यह युद्ध समाप्त हुआ। तकरीबन 3 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के पर खच्चे उड़ा दिए तथा पाकिस्तानी सैनिकों को इस युद्ध क्षेत्र से, इस रणभूमि से मां भारती की सर्जनी का एक पत्थर का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। भारतीय सेना की 14वीं कोर्स फायर एंड फ्यूरी कोर्स 1947 से लेकर अभी तक लड़े गए सभी युद्धों को, ले लद्दाख की कलाकृति और संस्कृति को तथा इन वीर सपूतों के वीर गाथाओं को एक कॉफी टेबल बुक और हमारे नौनिहालों के लिए एक कॉमिक्स बुक के रूप में प्रसिद्ध करवाया है। ये दोनों बुक्स हमारे टिकट काउंटर में मौजूद है। जिस किसी सज्जन को इन बुकों की आवश्यकता हो हमारे टिकट काउंटर से ये बुक ले सकता है। तकरीबन 3 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर सपूत मां भारती की रक्षा करते हुए हमेशा हमेशा के लिए मां भारती की गोद में समा गए तथा 1363 जवान इस युद्ध में घायल हुए। भारतीय सेना इन वीर सपूतों की याद में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाती है और इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आप सभी प्यारे देशभक्त देशवासी इस वीर भूमि पर आए, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। So guys, if this video is really helpful for you, please do subscribe, like, and please do support me, share this video as much as possible. And I'm really thanking our Indian soldiers who sacrificed their life for our Jammu and Kashmir, which is the most beautiful place I've ever seen in this whole India. So thank you guys, let's meet in the next video. And this vlogs are basically in Kannada, that is my mother language. So this was in Hindi, so I thought let me talk in English and make everyone clear about this thing. So bye bye guys, see you in the next video.